डॉक्टर संजीव सराब जी, ये अवसर सवाल जवाब का तो नहीं है, ये उत्सव और उल्लास का अवसर है। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें करूंगा और इस उम्मीद में कि उन बातों में इस सदन में बैठे हर आदमी की आवाज उठे। वैसे भी जिसको आप बहुत चाहते हैं उसको इतने करीब पाकर सवाल खत्म हो जाते हैं। कहते भी हैं कि पहली बार हमने चांद को इतने रूबरू देखा, हम सवाल क्या पूछते खो गए जवाबों में। बहरहाल ये गौर उत्सव का समय है, ये गुंदली आकांक्षा के उत्सव का समय है। ऐसे में मैं बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि जैसे सबके अपने अपने राम हैं, वैसे सबके अपने अपने गौर साहब भी हैं। आज इस मोड़ पर आप अपने गौर साहब को कैसे याद करते हैं? बहुत औपचारिक नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ एक्टिंग में भी यही प्रॉब्लम है और लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है। जो महसूस करता हूँ वो बोलता हूँ। तो जो मैंने ये बनाया, इसमें अधिकांश शब्द महानुभाव के हैं, आदरणीय के हैं, परिकल्पना मेरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे गौर बाबा को सिर्फ 26 नवंबर पे याद किया जाए। और एक तत्कालीन समाज होता है जो कृतज्ञता में विलंब कर देता है, तो वो विलंब अब समाप्त हो रहा है। एक तरीके से नगर भी उत्सव मना रहा है, विश्वविद्यालय भी मना रहा है। मैं उपज यही के विश्वविद्यालय के 26 नवंबर के प्रोग्राम की हूँ और उसमें मैं उपेक्षा सहता था कि मुझे ऑर्केस्ट्रा वाले ज्यादा पॉपुलर थे और थिएटर वालों को कोई देखने नहीं आता। तो संगीत का अपना महत्व तो है, लेकिन कथा कहने का भी एक महत्व तो है। तो डॉक्टर गौर के विषय में मैं जहां तक समझता हूं और बहुत ही गंभीरता से महसूस मैंने किया है कि उनकी संवेदनशीलता कैसी रही होगी कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र मध्य प्रदेश का इलाका बुंदेलखंड, जहां पर कोई ना उद्योग लगाना चाहता है ना अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, उस समय उस पिछड़े क्षेत्र में कितना गहन चिंतन डॉक्टर गौर का रहा होगा कि जो उन्होंने सोचा होगा यदि यहां की युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो शिक्षा का मंदिर बनाना पड़ेगा। इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा दर्शन था उनका और उसका श्रेय भी उन्होंने नहीं लिया। महादानी उसे ही को कहते हैं, पराक्रमी उसी को कहते हैं जो अपने शौर्य का श्रेय नहीं लेता है। तो डॉक्टर गौर एक बहुत बड़े चिंतक थे, अलग अलग बहुत सारी कहानियां हैं। तो मेरे दृष्टिकोण में डॉक्टर गौर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने सपनों की खूबसूरती पर पूरा यकीन था। सपनों की खूबसूरती पे यकीन उन्हीं को होता है जिन्हें सपने देखने और उसे पूरा करने का जिनके भीतर हौसला होता है। हम आज इस मोड़ पे आपको अपने बीच पाकर ये मानते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर ने जितने भी सपने देखे होंगे, आप इस मोड़ पर आपको यहां पाकर मैं यकीनन कह सकता हूं कि आज डॉक्टर हरि सिंह गौर के तमाम सपनों को उनका अपना सितारा मिल गया है। आप इस विद्यालय में रहे पढ़े, ये विश्वविद्यालय आपकी दीक्षा भूमि है। अगर इस विश्वविद्यालय को आज आप जैसे देखते हैं, वो कौन सी छवि है जो आज अपने विश्वविद्यालय को याद करते हुए आप कहना चाहते हैं? मुझे इस विश्वविद्यालय का सबसे जो स्वरूप अच्छा लगता है कि विश्वविद्यालय ना होना, एक परिवार की जैसे होना। क्योंकि विश्वविद्यालय जब सिर्फ विश्वविद्यालय रह जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रोबोट्स घूम रहे हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास से, लाइब्रेरी से कैंटीन, कैंटीन से बस पकड़ ली, फिर घर से आ गए। तो वो ऊर्जा इस विश्वविद्यालय में है। और मैं जब 8वीं क्लास में था तो यहाँ के विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव होते थे तो मैं यहाँ पे पोस्टर चिपकाने आता था
और उससे भी हमें सीखने मिलता था कि जो उत्साह था, हालांकि दुर्भाग्य से वो चुनाव बंद कर दिए गए, क्योंकि वो भी एक उत्सव ही होता था। छात्र एक दूसरे को जानते थे, नई प्रतिभाएं निकलती थी, और राजनीति इतनी बुरी चीज है तो फिर विधानसभा और लोकसभा भी बंद कर देनी चाहिए। तो इस विश्वविद्यालय का स्वरूप है, और इस विश्वविद्यालय में अभी मुझे नहीं पता कि हॉकी प्लेयर्स की क्या हालत है या हॉकी गेम्स की क्या हालत है, लेकिन यहाँ पे सर्वांगीण विकास की तरफ लोग जाते थे। मेरे ऊपर ये बात दादा नहीं थी कि मुकेश तिवारी तुम्हारे 33% नहीं आने चाहिए, मेरे ऊपर ये बात दादा नहीं थी कि तुम बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट तो मार्कशीट में दिखो। और इस विश्वविद्यालय ने मुझे अवसर दिया, मुझे एक आवाज दी कि सॉरी मैं एक बार मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था। तो उससे मुझे समझ में आया कि गुरु तुम आर्ट के आदमी हो, और तो हमने इसकी में अपने मित्रों के साथ में ले ली थी पीसीएम, लेकिन वो भूलन है जी। तो तभी एक बुलन ने एलजेब्रा करके आई थी, 1+1=2 से 1 होता था। तो हमने कहा गुरु इतना गणती तो मैं नहीं हो पाऊंगा कि एक में एक जोड़ो तो एक ही निकले। तो हम आर्ट संकाय की तरफ चले गए, और वहीं से मुझे दिखा मेरा ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट जहां ऑर्केस्ट्रा सुनने जाया करते थे, तो वहां से मुझे एक दिशा मिली। मुकेश जी आपने एक्चुअली मैडम को कहीं जाना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैंने पहले कहा कि विश्वविद्यालय औपचारिकता का विश्वविद्यालय है ही नहीं, लेकिन भाई साहब एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। 1998 में आपकी फिल्म आई थी चाइना गेट जी। उसी से आपको पूरे विश्व में अपार सफलता मिली, और आपको ये भी बता दें कि उस फिल्म के लिए ये उस समय किसी को नहीं मालूम था, को एक्टर्स को भी, कि आप 45 दिन नहाए भी नहीं थे। नहीं बता नहीं रहा था, लेकिन उनको महसूस तो हो रहा था कि कोई नहा नहीं रहा है, और लोग इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि बहुत ज्यादा डिओडोरेंट खरीद के रखा था आपने। नहीं तब उतने पैसे नहीं थे, पर मुझे नया नया एक्टर था तो साइनिंग अमाउंट दे ही नहीं पा रहे थे, और मैं 3000 की नौकरी छोड़ के गया था। और राजकुमार संतोषी जी ने कहा कि आप घोड़े पे बैठिए कंबल टाइप का पहन के, और घोड़ा गोली की आवाज से भिदक गया और ये गिर गए, इनको बहुत चोटें आई। लेकिन नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा आपको आगे बढ़ना है, और उन्होंने एक ऐसा डायलॉग मारा कि पूरे विश्व में आज 24 साल बाद भी वही गूंज रहा है। मैं इन्हीं की जुबानी सुनना चाहूँ कि मैडम को जाना है। आदरणीय भाई साहब वो डायलॉग आप खड़े होके बताइए दर्शकों को, और आदरणीय मैडम को मैडम को लगेगा कि देखो कितना मेधावी छात्र है, पहली पिक्चर में ऐसे डायलॉग बोलता रहा हूँ। तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा हिंसात्मक है शिक्षा के परिसर में थोड़ा वैसे बोलना। वैसे तो आप लोगों ने 50-60 बार सुना होगा, आओ। तो रिस्पेक्टेड मैम के लिए वो संवाद अभी चुप कर के चलो, गोली चली नहीं कि करने के खाए। अरे मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा, अभी तो पुलिसियों का गोश्त खिलाया है, आज फौजी का खिलाएंगे। चुटा लोगे पर कमीनापन कहां से लाओगे, मेरे मन को